लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस से काजी निजामुद्दीन और बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी का पुत्र उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। भाजपा से मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत का परचम लहराने का दावा करने वाले भाजपा के जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा प्रभात चौधरी ने उपचुनाव में पार्टी से टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा कि वह कई सालों से पार्टी में सेवा कर रहे हैं। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हमेशा तीसरे नंबर पर रही है, लेकिन इस बार पार्टी अगर प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है तो निश्चित तौर पर मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर भाजपा के झोली में डालने का काम करेंगे। और इसी के साथ ही मंगलौर विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। मंगलौर से संवाददाता राहुल सैनी की रिपोर्ट। मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता रहेगी युवाओं के लिए स्टेडियम, लड़कियों के लिए कॉलेज की व्यवस्था और चिकित्सा पे ज़्यादा फोकस रहेगा। मैं जन जन तक पहुंच चुका हूं। मंगलौर विधानसभा के 34 गांव मैं डोर टू डोर कर चुका हूं, एक एक घर जा चुका हूं, एक एक व्यक्ति से मिल चुका हूं। मुझे सभी लोगों का, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। संगठन ने मुझे टिकट दिया तो मैं ये संगठन को विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, कि कमल खिलेगा मंगलौर में इस बार।